एसएससी प्रेपरेशन में आप सबका स्वागत है। डिस्कस करने वाले हैं थ्रस्ट ऑन थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, बुद्धि का समूह कारक का सिद्धांत। बुद्धि का समूह कारक का सिद्धांत बेस्ड है कारक विश्लेषण पद्धति के ऊपर। कारक विश्लेषण का मतलब है थ्रस्टन ने बहुत सारे कारकों का विश्लेषण किया और उसके बाद दिया समूह कारक का सिद्धांत। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि दो फैक्टर से मिलकर बनी है, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जो ये जी फैक्टर है ये जन्मजात है और जो एस फैक्टर था वो एक्वायर्ड था। थोरनडाइक के अनुसार बुद्धि एक खंड नहीं बल्कि बहुखंड है। थोरनडाइक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि को बहुवचन में माना कि वो बहुत सारे खंडों का एक समूह है। थ्रस्टन ने विश्लेषण किया स्पीयरमैन की थ्योरी का, थोरनडाइक की मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी का, और फिर उन्होंने ये निकाला कि बुद्धि जो है वो कारकों का एक समूह है। एग्जाम्पल के लिए थ्रस्टन ने एक समूह कारक सिद्धांत में दी न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी को अगर माने तो वो एक प्रधान कारक है, लेकिन इस न्यूमेरिकल एबिलिटी में मूल कारक भी हैं जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। इन प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड को मिलाकर बनी न्यूमेरिकल एबिलिटी वाली इंटेलिजेंस। थ्रस्टन के अनुसार जो हमारी इंटेलिजेंस है ये 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज से मिलकर बनी हुई है। चलिए डिस्कस करते हैं इन एबिलिटीज़ को वन बाई वन। फर्स्ट वन इज़ न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी है हमारी मैथमेटिक्स को समझने की एबिलिटी। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को एक्यूरेटली और स्पीड के साथ करने की एबिलिटी। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन हमारी आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी और खुद के आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी है। वर्ड फ्लुएंसी, ये हमारी बोलने की और लिखने की क्षमता है। वर्ड फ्लुएंसी हमारी लिखने और बोलने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट वन इज़ मेमोरी। मेमोरी हमारी मेंटल इंटेलिजेंस है। मेंटल इंटेलिजेंस में इंक्लूड है फैक्ट्स को याद रखना, फैक्ट्स को वापस से रिकॉल करना, लेटर्स और वर्ड्स को पहचान लेना। नेक्स्ट प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना, उनको एनालाइज करना और फिर उनका सॉल्यूशन निकालना। नेक्स्ट प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है स्पेशियल एबिलिटी। ये एबिलिटी दर्शाती है हमारी स्पेस के बारे में समझ को, किस तरह से हम स्पेस को अंडरस्टैंड करते हैं और किस तरह से उसको यूटिलाइज करते हैं। जैसे अगर आप अपना गार्डन डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप स्पेस का यूटिलाइज करेंगे और आप ये हिसाब लगाएंगे कि आपको कौन सा प्लांट कहाँ पर लगाना है, गार्डन की डिवीज़न किस तरह से करनी है, बेंचेस कहाँ पर लगेंगे। लास्ट प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है परसेप्चुअल एबिलिटी। ये हमारी परसीविंग एबिलिटी है, हम चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, हम उनको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, क्या हम उन ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस कर पाते हैं, क्या उनकी सिमिलरिटीज़ को फाइंड आउट कर पाते हैं। थ्रस्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ को मेज़र करने के लिए एक टेस्ट भी है जिसे PMA टेस्ट कहते हैं, मतलब प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ टेस्ट। इस वीडियो में हमने डिस्कस की लुईस थ्रस्टन थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, बुद्धि के अदर सिद्धांत देखने के लिए जैसे स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी, गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ट्राईआर्किक थ्योरी ऑफ रॉबर्ट स्टेनबर्ग, यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ बीने। ये सब थ्योरीज देखने के लिए चैनल SSC प्रेपरेशन को विजिट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।